हाजिर हूँ मैं यानी तनवीर शेख आपके अपने YouTube चैनल QMRPN पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचग्राम एप्लीकेशन को यूज़ करके दिखाने वाले हैं 2022 अप्रैल में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे यहाँ पर। जो कोचग्राम एप्लीकेशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है उस पर आप देख सकते हैं कितने सारे कमेंट आए हुए हैं। इसमें ज़्यादातर कमेंट ऐसा है कि कुछ ऑप्शन यूज़ नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ आपको बताने वाले हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ होता है और क्या क्या सिस्टम कहाँ पर है। ठीक है, फुल रिव्यू करने वाले हैं उस एप्लीकेशन का। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए फटाफट चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सब कुछ सीखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहां पर मैं कोचग्राम एप्लीकेशन को यूज़ करूंगा। ठीक है, यहां पर फिलहाल ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है इस एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर ओपन करते हैं, एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और किस तरीके से ये ओपन होगा, किस तरीके से यूज़ होगा, किस तरीके से एक्टिव करना है, ये सब कुछ वीडियो में जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग कॉल लॉक, इनकमिंग कॉल लॉक करने वाला बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पर इस वाले बटन को हमें ऑफ है तो ऑन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऑन हो गया। और ऑन होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग पर जाना पड़ेगा। सेटिंग पर जाएंगे तभी ये ऑन होगा। तो सेटिंग पर जाते हैं, सेटिंग पर जाने के बाद कुछ स्टेप इसका फॉलो करते हैं। ठीक है, इस पर परमिशन वगैरह देते हैं, एप्लीकेशन को कट करते हैं और हम सेटिंग में चले जाते हैं। अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐप और नोटिफिकेशन। ठीक है, ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जो आपने फिलहाल ही ओपन किया था, ये वाला एप्लीकेशन कोचग्राम। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम इसको परमिशन दे सकते हैं, यहाँ पर है परमिशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ हमें अलाउ करना है। ठीक है, यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करना है, अलाउ करना है, फिर बैक करना है, उसके बाद कैमरा अलाउ सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, फिर बैक कर लेंगे, फिर कॉन्टैक्ट अलाउ करेंगे, बैक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सब कुछ अलाउ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक बटन भी मिलेगा आपको, इस बटन को भी ऑन कर देना है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। इस बटन को ऑन करने के बाद आपको बैक कर लेना है, बैक करने के बाद यहाँ पर और भी कुछ देख लेना है। ठीक, प्ले ओवर अदर ऐप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अलवाइड, तो यहाँ पर अलवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाला स्विच भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये वाला स्विच ऑन करने के बाद फिर से हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पर मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, फाइव सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी ये भी स्विच है जो इसको भी हम ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसे भी ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक कर लेंगे। दोबारा से हम इस एप्लीकेशन को बाहर से ओपन करेंगे। ठीक है, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं कोचग्राम एप्लीकेशन पर और इस तरीके से फिर से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। हम इस स्विच को ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं। तो हम फिर से सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको ऑप्शन मिला है कोचग्राम एप्लीकेशन का, तो इस कोचग्राम एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और स्विच है जिसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वाले स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए अब एप्लीकेशन पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अब एप्लीकेशन में पूछ रहा है एप्लीकेशन कि आप कैसा लॉक लगाना चाहते हैं, अगर किसी का कॉल आता है तो किस तरीके से आप कॉल को रिसीव करना चाहेंगे। पहला है जो पैटर्न मोड है, दूसरा जो है टू डिजिट लॉक मोड है, यहाँ पर फोर डिजिट लॉक मोड है, यहाँ पर बटन मोड है और यहाँ पर कॉल बटन मोड है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टू डिजिट लॉक मोड हम यूज़ करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं टू डिजिट लॉक मोड पर और यहाँ पर हम कोई भी दो नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 5 और 6 एंटर किया है, दोबारा से हम 5 और 6 एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पैटर्न भी आप लगा सकते हैं, ये बता रहा है किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जब किसी का कॉल आएगा तो पैटर्न डालेंगे, उसके बाद कॉल रिसीव करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, गलत पैटर्न डालेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा रिसीव करने का, सही पैटर्न डालेंगे तो रिसीव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर टेस्ट करने के लिए ये कह रहा है एप्लीकेशन को, तो कैसे हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए टेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक कॉल आ रहा है मेरे पास। ठीक है, फ़ोन वाइब्रेशन में है यानी कि कॉल आ रहा है, ये चेक करने के लिए आता है ऐसे ही कि कैसे आपको करना है ये बताता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रॉन्ग नंबर डालते हैं तो रिसीव करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ना कॉल काटने का ऑप्शन दे रहा है। अगर हम सही नंबर डालते हैं 5 और 6 हमने लगाया था, तो यहाँ
पर इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है, कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कॉल कट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला बटन जो है ये ऑन हो चुका है। उसके बाद इनकमिंग कॉल वॉलपेपर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉक आपने लगाया उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐप लॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इनकमिंग कॉल वॉलपेपर हम लगाकर आपको दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन पिक्चर है जिसमें से आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना एल्बम फाइल में से लगाएं कोई फोटो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने फाइल में से भी कोई फोटो लगा सकते हैं। बेसिक वॉलपेपर ही लगाएंगे, यहाँ से कोई भी वॉलपेपर हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला हम लगा लेते हैं, यस पर क्लिक करते हैं। अब अगर हमारे पास कॉल आएगा तो ये लास्ट वाला वॉलपेपर हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब चलिए हम चेंज मोड करेंगे, कोई दूसरा लॉक लगाएंगे। इस तरीके से हम क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर हम ये सबसे ऊपर वाला पैटर्न मोड लगाएंगे। तो पैटर्न मोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न लगा देते हैं। दोबारा से हम वही पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर से हमारे पास कॉल आने लगा है, उसके बाद हम वही पैटर्न डालेंगे, उसके बाद कॉल रिसीव करने का ऑप्शन हमें देगा। यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन दे दिया है आपको, इस वाले ऑप्शन पर जाकर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग का ऑप्शन दे दिया है। अब यहाँ पर कॉचग्राम एप्लीकेशन आपके सामने इस तरीके से आ चुका है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से ये वाला बटन ऑन करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, आप किसी ऐप को लॉक लगाना चाहते हैं तो उस लॉक में क्या पैटर्न डालना चाहते हैं वह आप सिलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा, कौन से एप्लीकेशन को आप लॉक लगाना चाहते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 5-6 एप्लीकेशन पहले से ही सिलेक्ट है। आप अगर इसमें से कोई एप्लीकेशन में लॉक नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लॉक पर क्लिक करेंगे और ये लॉक खुल जाएगा, तो हम खुला हुआ ही रखेंगे। यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को लॉक लगाएंगे, वह एप्लीकेशन है कॉचग्राम। तो कॉचग्राम एप्लीकेशन से कॉचग्राम एप्लीकेशन को ही लॉक लगाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट पर क्लिक कर देंगे। प्रोटेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन जो है लॉक हो चुका है। कॉचग्राम एप्लीकेशन से कॉचग्राम एप्लीकेशन को ही मैंने लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर चाहे तो और भी एप्लीकेशन है, बहुत सारा जितना भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है सारे में आप इस तरीके से लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। लॉक पर क्लिक करेंगे, लॉक लग जाएगा। उसके बाद आप बैक कर देंगे तो वो लॉक लग जाएगा, ठीक है। हम नहीं लगाना चाहेंगे तो हम खोल देते हैं, उसके बाद हम बैक कर देते हैं। तो देखा फ्रेंड, इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं कॉचग्राम एप्लीकेशन को। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं तनवीर सिंह आपको फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।